अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर आज की वीडियो में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नसीर साहब, ये अपनी मैनुफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक के कुछ प्रोडक्ट हैं जिस तरह ये आप देख रहे हैं। ये चाइना बोर्ड है, चाइना की जो फिटिंग होती है ये अंडरग्राउंड लगते हैं दीवारों के अंदर, चाइना की जो फिटिंग होती है वो इनके ऊपर लगती है। ये फ़ैन बॉक्स हैं और ये ग्लास है, ये लेंटर वगैरह का सामान है, अंडरग्राउंड सामान है सारा। इन्होंने ये मशीन इंस्टॉल कर रखी है, मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। आमतौर पे जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें होती हैं वो बाहर से आती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। ये मशीन उनकी निस्बत सस्ती भी है और इसका ख़र्चा भी कम है और प्रोडक्शन तकरीबन उतनी करती है। और इसकी जो एक ख़ास बात ये है कि ये जो पीस बनाती है उससे हैवी पीस बना सकती है। जिस तरह ये छोटी सी मशीन आपको नज़र आ रही है, ये 50 ग्राम तक पीस जो है इंजेक्ट कर सकती है, भर सकती है। इसी तरह साहब ये 100 ग्राम का हम भर लेते हैं, ये 100 ग्राम का पीस बना रहे हैं, ये 70 ग्राम का, ये 70 ग्राम का है। और ये छोटी सी मशीन है, पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान में तैयार होती है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कोई ऐसी मशीन बताएं जो सस्ती भी हो और ऑटोमेटिक भी हो। ये ऑटोमेटिक भी है, यानी कि एक बंदा इसको खड़े होकर ऑपरेट कर सकता है इजीली। इसका सिर्फ आपने पीस बाहर निकालना है पकड़ के, बाकी तकरीबन ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक ही करती है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं नसीर साहब से कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये इस सेटअप को लगाने के लिए कितना ख़र्चा जो आता है। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नसीर साहब, पहले तो ये बताएं अपने काम के बारे में, कौन कौन सी आइटमें आप बना रहे हैं और ये जो मशीन है इस मशीन को कहते क्या है? इसको इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं, जैसी जो लाहौर में आम तैयार होती है। अच्छा, लाहौर के अंदर तैयार होती है, कौन सी जगह पे ये बनती है लाहौर में? ये बलालगंज से है, इसके एक दो वर्कशॉप है ना। अच्छा, बलालगंज में इसकी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे ये मशीनें बनती हैं। इसका इसकी प्राइस क्या है ओवरऑल, अगर कोई चलो खरीदना? प्राइस हमें तो 7-8 साल हो गए हैं, 1,10,000 इस वक्त लिया। अब महंगाई काफ़ी हो गई, आपको पता है। अच्छा, तकरीबन 7-8 साल पहले 1,10,000 की ली थी, अब कोई अंदाजन क्या रेट होगा इसका? 1.5-2 लाख की होगी। अच्छा, 1.5-2 लाख की ये होगी। अच्छा, इसको ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेस मीटर चाहिए, थ्री फेस मीटर चाहिए। अच्छा, इस पर कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं आप? कोई भी डाई लगाई बना सकते हैं हम तो, ये 3-4 आइटम बना रहे हैं। ये फैन बैक से हमारा, ये चाइना बॉक्स से छोटा बोर्ड है 3x3 का, ये आप ये आइटमें बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 3-4 आइटमें हम। सही। अच्छा, कोई भी प्लास्टिक की कोई भी आइटम बना सकते हैं? कोई भी आइटम डाई लगाएं तो बन जाती है डाई। अच्छा, डाई के हवाले से बता दें, कोई डाई बनाने का जो प्रोसेस है वो आसान है या कोई मुश्किल है डाई बनवाना? डाई वो डाई मेकर से बनवाया ना, खराब दिए से किसी से, वो तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, वो आपको पता ही कैसे तंग करते हैं। अच्छा, तंग करते हैं, यानी कि डाई जो बनाने का प्रोसेस है वो उधर मुश्किल है, थोड़ा लंबा हो जाता है, टाइम लंबा हो जाता है। अच्छा, अगर किसी ने मिसाल के तौर पर इसकी डाई बनवानी हो, ये बॉक्स हैं, तो इनकी जो डाई है वो कितने में बन जाएगी? तकरीबन 1 लाख के करीब रहेगी आजकल के दौर में। अच्छा, 1 लाख की है ये, कोई 1 लाख की ये होगी। अच्छा, यानी कि इसकी जो डाई है वो 1 लाख के राउंड अबाउट होगी, एक पीस की 1 लाख की। कम नहीं हो सकती? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? थोड़ी सी कम होगी, 5-10 हज़ार का फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी होगी, आपको पता ही है। ठीक है, सरिया लोहा महंगा हो गया काफ़ी, तो मजदूरी भी काफ़ी महंगी होगी। अच्छा, डाइयाँ कहाँ से बनती हैं? हमने लाहौर से बनाई थी, वैसे गुजराना से बन जाती, कहीं भी खरादी बना लेते हैं डाइयाँ। गुजराना से भी बन जाती हैं, लाहौर से भी बन जाती हैं, थोड़ा सा ऊँचा होगा। ठीक है। अच्छा सी साहब, इसको इंस्टॉल करने के लिए इस मशीन को कितनी जगह चाहिए? देख लें आपके सामने कितनी जगह, 3.5-3 मरले जगह, 5 मरले भी और चल जाती है हमारी, 3.5 मरले जगह ये जो हमने ली है किराए पे, 3.5 मरले ये। ठीक है। अच्छा, 3.5 मरले जगह है, ये हाल है आपका, कितना किराया है इसका? इसका 6,000 रेंट दे रहे हैं। 6,000 रेंट दे रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी बताएंगे, पर डे की इसकी प्रोडक्शन, को 10-12 घंटे काम करें बंदा तो कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? 12 घंटे में काम करें तो कम अज़ कम, या जो बड़ा पीस है ना, 1,000 पीस बंदा निकाल लेता है। अगर 12 घंटे काम करें तो 1,000 से ऊपर निकल, 1,000 बन जाता है। अच्छा, जो ये छोटा पीस है ये एक मिनट में 2 पीस बन रहे हैं, हम बना रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट में 2 पीस ये बन जाते हैं, ये 3 मिनट में 2 बन जाते होंगे? हाँ, इतना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो 50 मिनट में अगर 100 बनता है, ये घंटे में 100 बन जाता है। अच्छा, अगर इसके अंदर दाना कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? हम पीपी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल पीपी, प्योर का इस्तेमाल, प्योर का ये या लोकल प्योर का दाना इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बैग के अंदर ये कितने पीस बन जाते हैं? ये एक बैग का छोटा ये 500 पीस निकल आता है, 25 केजी का। ठीक है। खर्चा एवरेज कितना आ जाता है इस पर? खर्चा देख लें आप, बिजली का या कारीगर का ही होता है खर्चा। अच्छा, यानी कि रेंट वगैरह इसका निकाल के, इसकी जो बिजली की कास्ट वगैरह निकाल के, पर मंथ अगर रेगुलर काम आपका चलता है तो
कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट बैग के अगर बैग ज़्यादा एक बैग पे 1000 रुपया कम से कम बचत आ जाती है अगर रेगुलर काम होता रहे। अच्छा, एक बैग पे 1000 रुपया प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आ जाती है। तो एक दिन में कितने बैग माल ये निकाल देती है? वो काम ज़्यादा हो, एक दिन में ये कम से कम 2 बैग निकलाते हैं। अच्छा, ये बड़ा पीस है जो ये 3 भी बैग निकल जाते हैं। 3 बैग भी निकल जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो इसको ये 300 पीस निकलता है, ये 500 निकलता है बैग में। पर मंथ जो इसकी अर्निंग है वो 70-80 हज़ार ग्राउंड अबाउट होती है। काम आपका रेगुलर चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा को जो मुश्किल आती है वो इस काम को करने में, वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मुश्किल तो कोई नहीं, कभी मशीन ख़राब हो जाए या कोई आगे मार्केट में डाउन अप आए, दाने का रेट कम ज़्यादा हो जाए, कम और फिर हो जाता है, ठीक है। यानी कि मशीन चलाने में कोई मुश्किल नहीं है, आम बंदा आसान ही काम है ये, ज़्यादा टेक्निकल काम तो नहीं है इसको। मशीन की खराबी भी आदमी बंदा सही कर लेता है, इतनी नहीं है इसमें पंप, एक बस प्रेशर बनाने का। अगर एक नया बंदा है उसको इसको सिस्टम को समझने में कितना टाइम लग जाता है? अगर जहन बंदा 1-2 घंटे में पता चला, सारा समझ जाता है, ठीक है। चलो ठीक हो गया सब, ये तो हो गया काम के हवाले से। अब ये आपकी प्रोडक्ट है जी जी, अगर चलो कोई मशीन वगैरह नहीं लगाना चाहता, आपसे तैयार माल लेना चाहता है, तो आप उसको माल प्रोवाइड कर सकते हैं ये? हाँ, हमारे रेट मुनासिब है इंशाल्लाह, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये फैन, ये बॉक्स है 6x3 बोलते हैं इसे? हाँ, 3x6 बोलते हैं। हाँ, 3x6 वो भी दिखाएं। 3x3 क्या है ये? अच्छा, इसकी रेट क्या है, प्राइस क्या है इसकी? ये जो लोकल दाना है इसके ये 1400 रुपये का दे रहे हैं, ये जो है 20 रुपये का है कम। अच्छा, ये 14 रुपये का है? हाँ, ये 20 रुपये का, ये 20 रुपये का बहुत मुनासिब रेट है। कम ज़्यादा भी हो जाते हैं मार्केट में। अच्छा, रेट कम या ज़्यादा मार्केट के हिसाब से दाना बढ़ गया? ये प्योर का है, ये रेट आजकल ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, पहले हम 1920 1926 में दे रहे थे, अब इसका कह दिया 20-27 का। अच्छा, 20 रुपये का ये है और बड़ा? बड़ा 27 रुपये, वो बड़ा वो बन नहीं रहा अभी, वो 27 रुपये का है, 20 और 27 रुपये का। अच्छा, ये ग्लास भी है आपके पास, ये भी दिखा दे। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये 11-12 रुपये का हम सेल कर रहे हैं। 11-12 3 इंच है ये? हाँ जी, 3 इंच का ग्लास है और 11-12 रुपये इसकी प्राइस है। और फैन बक्स भी हैं आपके पास? ये फैन बक्स के इसका 200 ग्राम वजन है, कम से कम 190 या 200 ग्राम के करीब है। 190 या 200 ग्राम हो, 200 ग्राम का वजन कम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसकी क्या रेट है? ये 60 रुपये का सेल कर रहे हैं। 60 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का भारी फैन बक्स है ये, 60 रुपये का। सस्ते भी होते हैं मार्केट में इससे? नहीं, सस्ते वो हमारे डाई जा वजनी है। अच्छा, माल जा वजनी है, इसलिए यही रेट है, कम होगा यही रेट बनता है, ठीक हो गया। अच्छा रफी साहब, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, आपका इस सेटअप का विज़िट करना चाहता है, तो आ सकता है आपके पास? आज तक तो मेरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आ सकता है? काम अभी पर कोई शहर कहीं नहीं पहुँच। एड्रेस अपना बता दें कोई आना चाहता है? कामों की लैन पार्क सभी रोड है, इसमें स्कूल के करीब आ रहे हैं। अच्छा, कामों की गुजरांवाला के पास है ये? और यहाँ पे हमारा जो सेंटर है, मैं आ सकता है आपके पास, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका जो है वो दे देंगे, ठीक। तो अगर आपसे व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, किसी ने को रेट लेने हो, मटीरियल ख़रीदना हो, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। रेट माशाल्लाह की अच्छी है नसीब साहब के। अगर आप माली बदनी है, आपने देखा होगा इतना नरम नहीं है जो आम मार्केट में चाह रहा है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का माल मटेरियल है ये, मार्केट में 20-22 रुपये का सेल होता है ये। हाँ, मार्केट का आपको पता ही है मार्केट में। अगर कोई सेलमैन इनसे मटेरियल लेके सेल करना चाहे, 14 रुपये उसका रेट है? 14 रुपये इसका, 14 रुपये रेट है। और इसका 20 रुपये दाना कम और कम भी कर सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 14 रुपये और 16-20 रुपये अगर कोई ख़रीद के इसको सेल में, ये वो इसको सेल भी कर सकता है। प्योर में रेट ज़्यादा है, 20 रुपये और 27 रुपये। हाँ जी, हाँ, ये बड़ा बैग है जो सामने बैग पड़ा, ये सऊदी का बैग है, नेचुरल ये दाना इस्तेमाल होता है इसमें। हाँ जी, सऊदी का, ये कलर नहीं है ना, वो कलर के बजाय दूसरा, ठीक है, ये दाना इसमें इस्तेमाल होता है। हाँ, तो व्यूअर मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये परेड कैसे होती है, ये इसकी जो है ना वो हीट वगैरह हो रहा है अभी? हो गई है, इंशाल्लाह कर ले, हो गई है। तो आपको ये दिखाते हैं इसको प्रोसेस, इसको चलती कैसे है, बनता कैसे है पीस, हो तो वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है।